दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 19 अक्टूबर 2019 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, आज के दिन आपको थोड़ा सा सावधान रखना है, कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी नहीं करनी है। कार्य क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं, जब तक कि एक काम खत्म नहीं हो जाता दूसरा नया काम नहीं पकड़ना है, सोच समझ कर चलना है, ठहराव बनाते हुए आगे बढ़ना है ताकि आप अपने जीवन में पूर्णता हासिल कर सकें। आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एन मौके पर पहुंचते पहुंचते अगर आपने जल्दबाजी करी तो आप अपने गोल से थोड़ा सा हट सकते हैं या रिजल्ट्स आने में थोड़ा सा डिले हो सकता है। जहां तक आपके खुद के स्वास्थ्य का सवाल है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन आपको आज के दिन कार्य क्षेत्र में अपना फोकस और बढ़ाने की जरूरत है और एक प्लान्ड तरीके से आज के दिन की शुरुआत आपको प्रोफेशनली करनी चाहिए। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। आज के दिन की मैं अगर बात करूं तो आज के दिन आपको थोड़ी सी परिस्थिति परेशान कर सकती है और वो है आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित। कार्य क्षेत्र में जो डिले हो रहा है रिजल्ट आपके पक्ष में आने में, इसलिए आपको एंग्जाइटी हो सकती है। आपको ये भी लग सकता है कि चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सिचुएशंस आपके फेवर में आए तो सबसे पहले आपको अपने मन को कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल रखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर आपके ऊपर वर्क प्रेशर, वर्क लोड ज़रूरत से ज़्यादा पड़ रहा है तो चीज़ों को ठहराव लेकर चलें ताकि आप परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकें। आपको सबसे पहले अपने परिवार के साथ पूरी पूरी हार्मनी बनाए रखनी है, क्योंकि आपके परिवार में अगर थोड़ी सी भी इंस्टेबिलिटी या इम्बैलेंस आएगा तो वो आपके संबंधों को भी ख़राब कर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परिस्थिति आपके फेवर में आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस सब बना रहे, तो सबसे पहले आज के दिन प्रायोरिटीज़ को आपको सेटल करना पड़ेगा। जो आपकी प्राथमिकताएं उन्हें लाइन अप करिए, उस पर काम करिए, आपको शुभ संकेत बहुत जल्दी मिलेगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको जो भी प्रेशर, मेंटल प्रेशर जहां से भी पड़ रहा है, उस प्रेशर को आपको अपने आप ही कंट्रोल करना है। अगर कोई व्यक्ति विशेष है जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो आज के दिन आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। आप उसकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास से हटा सकते हैं, यानी कि आप उसके साथ कम्युनिकेशन किसी भी तरह का ख़त्म कर सकते हैं। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को ले ही रहे थे और अपने जीवन में स्ट्रेस बढ़ा रहे थे, लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में संपूर्णता बनी रहे तो किसी भी फॉर्म में अगर वो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके पारिवारिक संबंधों में हो, आप चूज कर सकते हैं, आप विराम लगा सकते हैं, आप विश्राम ले सकते हैं कि आप उन परिस्थितियों से निकल जाएं। जहाँ तक आपके खुद के स्वास्थ्य का सवाल है, आपका स्वास्थ्य और मन दोनों ही बेहतर रहेंगे। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपके जीवन में विस्तार तो होगा, लेकिन ये विस्तार बहुत धीरे धीरे हो सकता है। आपको ये भी लग सकता है कि सिचुएशंस को आप जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो सिचुएशंस आपके हाथ से निकलती जाती हैं। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, खास तौर पर फाइनेंशियल मैटर्स में। अगर आपको कहीं से रिटर्न मिलने वाला था तो वहाँ पर डिले हो सकता है, देरी हो सकती है, और अगर आपको कहीं पर इन्वेस्टमेंट कहीं करने की सोच रहे थे तो आपको भी थोड़ा सा विराम करने की या लेने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा प्रेशर में आएंगे और जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे तो आप ही को आर्थिक नुकसान होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, इसलिए सोच समझ कर निवेश के प्लान बनाइए और आगे चलते चलिए। आपको शुभ संकेत प्लान तरीके से चलेंगे तो बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। भाई सिंह राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन जो भी आपको एंग्जाइटी या स्ट्रेस कार्यक्षेत्र से संबंधित हो रहा है, मात्र कुछ ही दिनों में ये स्ट्रेस भी आपके जीवन से चला जाएगा। आपके संबंध बेहतर होंगे, आपके दिमाग पर कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप सीख गए हैं कि काम को किस तरह से इफेक्टिवली किया जाता है। इतने परिश्रम्स के बाद, इतने चैलेंजेस के बाद अब आपका कार्यक्षेत्र में कुछ ना कुछ विस्तार आया है, आपके पास नई बिजनेस अवसर आए हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आई हैं, आपकी सिचुएशंस तो बेटर हो रही है, लेकिन ज़रूरत आपको इस चीज़ की है कि आप परिस्थितियों को कंट्रोल करके चलें। अगर आप चाहते हैं आपकी सिचुएशंस आपके फेवर में और आएँ तो थोड़ा सा धीरज रखना और सीख लीजिए, अपनी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट कर लीजिए। मात्र एक महीने के अंदर अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज के दिन से हो सकती है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। भाई कन्या राशि वालों, अगर आज के दिन आपको एंग्जाइटी स्ट्रेस हो रहा है, अगर आपका मन कर रहा है कि आप सिचुएशंस को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएं और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो रास्ता आपके सामने है, जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन आपने ऑप्शंस अपने इतने बंद करके रखे हुए हैं कि आप उसको देख भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज के दिन आपको अपने ऑप्शंस को ब्रॉडन करना पड़ेगा, ओपन अप करना पड़ेगा, सिचुएशंस को पॉजिटिव तरीके से लेना पड़ेगा, या मैं कहूँ कि चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा तो गलत नहीं होगा। चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए, विचारधारा बदलिए। किसी व्यक्ति विशेष के साथ आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, किसी की राय मशवरा ले सकते हैं, किसी के साथ काम कर सकते हैं जो आपके जीवन में नई दिशा ला सकता है।
आज के दिन आपका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बेटर होने लगेगा। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, जल्दबाजी रिलेशनशिप में ना करें। अगर आप कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं या आपकी कोई एक इच्छा है, या अगर आपको लगता है कि आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन करना है, तो अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को दूसरों के ऊपर ना थोपें। एक्सपेक्ट करें कि सामने वाला आपको जब कोई सिग्नल दे, कोई एक अवसर आए, राइट टाइम आए, तब आप अपने मन की बात सामने वाले के सामने जाहिर करें। जल्दबाजी करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ निराशा का सामना करना पड़ेगा, और एट द सेम टाइम आपको कोई इमोशनल डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। जहां तक कार्यक्षेत्र से संबंधित सवाल है, कार्यक्षेत्र में सोच समझ कर चलें, विचारों को अपने कंट्रोल करें, जल्दबाजी ना करें, परिस्थितियों को सोच समझ कर लें ताकि आपके जीवन में परिस्थिति स्ट्रांग हो सके। जल्दबाजी करने से कार्यक्षेत्र में भी अपने आप को रोकें, और आपका आज के दिन विशेष ध्यान रखें, आपसे उम्र में बड़े व्यक्ति से, किसी मेल मेंबर से आपका मनमुटाव हो सकता है, इसलिए अपने एंगर को कंट्रोल रखें, कटु शब्दों का प्रयोग ना करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं, तो आज के दिन आपके जीवन में जो भी विस्तार हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपकी मेहनत के बदौलत ही हुआ है। आपने जितनी परिस्थितियां अपने लिए अनुकूल करी हैं, जिस मेहनत से या जिस शिद्दत से आप लगे रहते हैं, वो परिस्थितियां आपके लिए शुभ संकेत लेकर आई हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी न जाने आपका मन क्यों भटक जाता है, आप अपने निश्चय, आप अपने ध्येय से, आप अपने गोल से, आप अपने विजन से हट जाते हैं। आपको अपना फोकस बरकरार रखने की ज़रूरत है। पारिवारिक किसी सदस्य से आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, और अगर परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सलूशन भी आपको मिल सकता है। बस ज़रूरी यह है कि आपको परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए अपना जो जीवन का लक्ष्य है उसको और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करके, अपना फोकस बनाए रखते हुए आगे आपको एक बेहतरीन चॉइसेस करनी है जो आपको शुभ संकेत दे सकें। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं, तो आज का दिन आपसे जरूरत से ज़्यादा मेहनत करा सकता है। स्ट्रेस में आप आ सकते हैं। अपनी परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए जो भी आपने अपने लिए रास्ते समझे हैं, सोच समझ कर आप अपने लिए लेकर आए हैं, अपने लिए आपने प्लान बनाया है, प्लान ऑफ एक्शन आपका बहुत बढ़िया है। अगर आप कंसिस्टेंट स्पीड के साथ चलते रहे तो आपको शुभ संकेत बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आपकी पारिवारिक सिचुएशन इन टोटैलिटी बेहतर हो रही है, आपका मन प्रसन्न हो रहा है, चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। आप चाहते हैं अगर चीज़ें और आपके जल्दी फेवर में आए, तो आपको अपने काम करने की रणनीति, अपने मन में प्रबल इच्छा, दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा, यानी कि फॉर द बेटर उसमें कुछ ना कुछ एक इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, अगर आज के दिन आपको कोई परिस्थिति परेशान कर रही है, तो आपको सबसे पहले वो रीज़न आइडेंटिफाई करना चाहिए जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है। आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, आप अपने पुराने संबंधों को रिस्टोर कर सकते हैं, आपका कोई घनिष्ठ मित्र आपको कोई सलाह मशवरा दे सकता है। अगर आप उसके सलाह मशवरा को मानेंगे, उसकी राय को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। आपका स्वास्थ्य, आपका मन बेटर रहेगा, आपकी परिस्थितियाँ अच्छी होंगी, परिवार में भी आपकी शुभता बनी रहेगी, आर्थिक उन्नति के कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई अवसर आज के दिन आपको मिल सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं, तो आज के दिन आपके जीवन में जो विस्तार हो रहा है, ये पॉजिटिव विस्तार है। आपके जीवन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे धीरे धीरे आ रहे हों, शुभ संकेत तो वो लेकर आ ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के दिन विशेष ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, अपने मन को कंट्रोल में रखिए, बीपी से संबंधित अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसको कंट्रोल में रखिए, जल्दबाजी फाइनेंशियल मैटर्स में नहीं करिए। आपको शुभ संकेत अगर ये सारे चेंजेस या ये सारे प्रिकॉशंस लेकर चलेंगे तो आपके जीवन में देखने को आपको मिल जाएंगे। जहाँ तक आपके पारिवारिक सदस्यों का सवाल है, तो वो आपसे प्रसन्न रहेंगे, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार आपके साथ बना रहेगा। आपको अपनी परिस्थितियों को सोच के समझ के एक प्रिकॉशंस लेते हुए जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और अगर आज के दिन आप ऐसे एफर्ट्स और प्रयास करेंगे तो वो कार्यरत जरूर होंगे। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं, तो आज के दिन आपको अपने आप को रोकना चाहिए जल्दबाजी में फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से। आप चाहते हैं कि आपकी परिस्थिति स्ट्रांग हो, तो आप आज के दिन प्लान बना सकते हैं, दो चार दिन के बाद अपने परिवार से डिस्कस करके आप कोई नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट से संबंधित है या सोने से संबंधित है, गोल्ड से संबंधित है, सबसे पहले आपको अपने परिवार में सलाह मशवरा करना चाहिए। आपके परिवार में जो भी आपके मेंबर्स हैं उनसे सलाह मशवरा करेंगे, आपके घर में जो परिजन हैं, आपके वृद्ध सदस्यों से अपनी निवेश करने के पैटर्न को, जो भी आपके मन में चल रहा है, उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको अपनी रणनीति में कुछ ना कुछ कमियां जरूर मिलेंगी, अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपकी परिस्थिति बेटर हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जल्दबाजी ना करिए, अगर आपको निवेश करना है तो सोच समझ के चलिए, जिससे आपकी परिस्थिति बहुत जल्दी
ठीक हो जाएगी। अगर आप जल्दबाजी करके निवेश करेंगे तो आपको एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज के दिन संबंधों में कटुता लाने से आपको अपने आप को रोकना चाहिए। बिना सोचे बिना समझे अपने दिमाग में assumptions and presumptions ना लाएं। अगर आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उस व्यक्ति विशेष से आमने सामने बात कर लें ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सके। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।